यहाँ हमें बीच रास्ते में एक वाटरफॉल दिखा, तो हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे, सब नहा रहे हैं। मेरा वो वाटरफॉल ठंडा पानी ठंडा कुछ हो रही है पर पजामा ऊपर कर सारी पजामा का ये उतार दो ना ये मेरे को मार दिया। मम्मी अन्ना मम्मी साइड हो शिवन्या और ये बावली कितने है 110 110 का है क्या आगे पार्किंग है कहीं? हाँ हाँ पार्किंग है। तो सही लूट रही शहर में जाने आना जाना करते होंगे शहर में दाखिल नहीं जो यहीं के होंगे उनसे भी लेते होंगे क्या? नहीं भाई इसने तो पिछली पार्किंग में खड़ी करी आप कश्मीर की है वो डल झील है चार सीट पर 420 रुपए और का
अच्छा देख क्या महल सर देख 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 ये राइट में देख सारा ड्रेन आ रहा है इसका कॉलोनी का बस वही है पार्किंग दिख नहीं रही कैसी पार्किंग है हम पार्किंग में छोड़ी है पूरे शहर है जी जाएंगे पूरी झील खुली है उधर आ जाएंगे गाड़ी तो उधर ही है कहीं गाड़ी लगने के जुगाड़ी ना बैठे हम लोग अब नैनीताल भी घूम लिए हैं और अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए और देखो यहाँ का मौसम कितना ठंडा हो रहा है बारिश पड़ रही है कभी कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं कभी धूप निकल रही है ये देखो कितने बादल हैं मतलब नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी बादलों में कर होकर जा रहे हैं हम लोग ठंड भी लग रही है और हल्की हल्की झरझर वाली बूंद है बारिश हो रही है बाहर अरे यहाँ तो बारिश हो रही है ना हाँ वो बादल देख बादल वो बादल कहाँ से यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ऋषिकेश में पहुंचेंगे तो हमें वहाँ गरम गरम मौसम मिलेगा यहाँ पर एकदम ठंडा स्वेटर याद आ रहे हाँ यहाँ पर सब लोगों ने स्वेटर पहने हुए पर हमने कहाँ पहने हम तो अपने ऐसे ही इतनी नहीं है स्वेटर वाली जो स्वेटर पहन लो वहाँ पे मिलेगा हमें गरम गरम मौसम यहाँ मम्मी खीरा काट रही है बारिश में ऐसे खाते खाते जाएंगे हम और यहाँ मेरे माधव माधव का डी एड में मम्मी ने काट दिए फल फ्रूट ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सबके बने हुए गाड़ी थोड़ा साइड में लगाए क्यों नहीं मैं नेहा सही से बैठ अरे बैठी ना क्या हो गया तेरे को नीचे लटक रही है हां लटक रही है ढंग से ओए बोझा ओए बोझा यहां गाड़ी रोकने की जगह नहीं है ना साइड में लगाने की जगह नहीं है बस ये देखो नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा इतने बादल हैं एकदम छा रखी है इधर और मौसम एकदम ठंडा हुआ बारिश लगी हुई है इधर बारिश आइए सामने लिखा आई लव नैनीताल सेल्फी पॉइंट भूख लग रही है खीरा खा रहे हैं
और कुछ जुगाड़ नहीं है, गाड़ी चलती गाड़ी में। बारिश हो रही है, बारिश का मजा लेते लेते खीरा खा रहे हैं। मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। हाँ, जान आ रही है मौसम में। ज्यादा बीज निकले ना तेरे कहीं मेरा खा रहा है। तो बीज नहीं होता शायद, बीज रहा है इतना मोटा होता पता है नहीं, उसमें बूटा ज्यादा होता है। कहने को सुकर ताल है, पानी भर रहा है, सूखा ताल। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम बहुत ही बढ़िया है। जम जम बारिश शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है चारों तरफ से एकदम से घुट गया। सामान भी यहाँ पे बहुत महंगा ही देते हैं, सारी दुकानें जेब काटू हैं। ये है देखो, कोहरे की वजह से ये दिख भी नहीं रही। ये पहाड़ी पे देखो कोहरा, पूरा पूरा पहाड़ दिख नहीं रहा थोड़ा थोड़ा। मेन मतलब यही था, ये अपना खाना बनाएंगे, यहाँ बारिश हो रही है नहीं लेंगे। इस समय खूब ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे, गाड़ी में भी हमें हल्की हल्की ठंड लग रही है। तेज है बाहर बारिश, यहाँ से निकल रही है हरिद्वार के लिए। ये रास्ता कम से भी कम नहीं तो 30-40 किलोमीटर के करीब बैठेगा पानी पहुँच के। अच्छा, यहाँ कोई चिड़ियाघर है क्या, नेशनल जू, ये क्या? अच्छा, मौसम देखो गजब का। हाँ, हाँ ऊपर लिखा है ना, है हाँ बोलो ना। चल देख क्या है, पानी गिरते हुए 50 रुपए ले लेगा, 300 रुपए ले लेगा पानी गिरते देखने। ये रहा ना, ये है वाटरफॉल, वाटरफॉल यहाँ का बहुत तगड़ा वाटरफॉल है। 300 रुपये ले लेगा जाने का, चलते रहो चलते रहो। नहीं, ये बंदे इसीलिए तो रुको है, अपनी गाड़ी तो रुकी नहीं है। ओ भाई, मौसम बिल्कुल सेट। चलो बारिश पड़ रही है बड़ी जोर से, ठंडा हो रहा मौसम। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ये सारे बैठे हैं गाड़ी में। अभी देख, ये मुरमुरे खा रहे हैं सब। अब मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, अभी कैसा हो रहा है। इधर का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना। मैं तो छतरी लगा के घूम रहा हूँ। मैं ऐसे बैग की बनाती हूँ, बैग बंद नहीं होगा, देख देख क्या हो रहा है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, काफी टाइम खड़े रह गए यहाँ पे हम। हाँ, ठंड चढ़ गई मुझे तो, यहाँ का बाहर खड़े थोड़े। हाँ, प्लेन में आ रहे ना तुम, ये तो कतई हुआ है। पीछे देखा तुमने, पीछे प्लेन प्लेन दिख रहा है। डाउन से हो गए पहाड़ है ना, देखना ये भुट्टे बैठे सारे वहां से मंगाए होंगे ना नीचे नीचे की गहराई नहीं दिख रही।
लूंगी। हम लोगों ने अब थोड़ा सा रेस्ट लिया है, हम पहाड़ों पे से नीचे आ गए हैं और सबको लग गया ये भूख, तो यहाँ पर बन रही है मैगी। हो गई ना? तो यहाँ पर हमारी मैगी बन रही है, अभी दिखाती हूँ। हाँ अभी खाइयो, पीछे हो जा। ये हम बन रही है हमारी जल्दी वाली मैगी। सामान तो हम बहुत सारा लेके आए थे तो हमारा जल्दी वाला काम हो जाता है। आइए देखो मेरा सोना कैसे खड़ा है मैगी के लिए बेकताबू। सोना भूखी लगी? सोना मैगी खाओगे? मैमी खाओगे? मैमी कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? ऐसे खाओगे? मैं खाऊंगी पहले। भूखी लगी है? तो हम लोग पहाड़ों पर से आ चुके हैं नीचे और यहाँ पर सबको भूख लगी है, ये तो खाना वाना बन रहा है। मैगी बन रही है हमारी, मैगी बन रही है, हमें भूख लगी। रास्ते में सब कहने लगे चलो भाई रास्ते गाड़ी रोको, रास्ते में मैगी बना। और हमारा गैस चूल्हा तो हमारे साथ रहता है, हमें जब भूख लगती है तो हम खुद ही बना के खा लेते हैं। ये देखो ये हमारी मैगी बन गई है। दोने कहाँ रखे हैं? तो जहाँ पर अभी हम घूम रहे थे वहाँ पर तो इतना मौसम खराब था, बहुत ज्यादा बारिश, ठंड लग रही, बारिश पड़ रही थी पहाड़ों में और यहाँ फिर गर्मी में आ गई। यहाँ तो फिर गर्मी में आ गया, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे तो धूप आ रही है ऊपर, जहाँ पहाड़ों पे बिल्कुल धूप नहीं, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। बेहतरीन मौसम, टेस्टी मौसम, बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी था मौसम। गुल्लू क्या खाओगे? मैमी काली वाली चाट भी रखना, मुझे रबड़ वाली थी ना। अब बन गई मैगी गर्मा गर्म, लाओ चम्मच, आओ खाओ मैगी, थोड़ी सी भूख मिटाओ और फिर गाड़ी में बैठो और फिर सीधे चल दो सीधे हरिद्वार। अगर पापा वहाँ पे जगह होती जहाँ पहाड़ पे जहाँ बारिश पड़ती थी तो वहाँ खाते तो वहाँ ज्यादा मजा आता, मगर जगह कहाँ मिली गाड़ी चलने के रास्ते, मगर चारों तरफ पहाड़। ये वर्षा के लिए वीडियोग्राफर के लिए अभी पहले मैं कन्नू खाऊंगी, कन्नू की सारी खाएगी, कन्नू की तो मैंने अंदर रखी है, मैं अपने शेर को खिलाऊंगा। आ जा कन्नू के लिए है क्या? अभी ठंडी हो रही है ना, कन्नू की ठंडी हो रही है ना अभी। हाँ तो कन्नू को दे दी ना, तो वो कौन खाएगा? लड्डू की बच्चे की कटोरा बच रहा है, थोड़ी क्यों बनाई फिर, तू ना खा रही। तो यहाँ पर हमारे माधव भी मैगी खा रहे हैं और ये मेरी मैगी, ये माधव की, अब हम भी खा, हम भी पहले थोड़ा सा मैगी खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे मैगी खाने के बाद। क्या है, हम सब ने अब मैगी खा ली है तो और अब पहुंच रहे हैं, हम घूम लिए खूब अच्छे से, नैनीताल भी और नीम करौली बाबा के अच्छे से दर्शन भी हो गए हमारे, वो भी दो बारी करके आए दर्शन, अच्छे हुए बहुत। और नैनीताल भी घूम लिए, अब सीधा जा रहे हैं हम ऋषिकेश,
अब होगी पेट पूजा, आगे होगा काम दूजा। गाड़ी आ रही है बेटा, गाड़ी आ रही है। गाड़ी आ रही है देखने, इसीलिए तो कह रहा हूँ गाड़ी आ रही है। ये भी गाड़ी क्या क्या इधर आ गई। शीनू ए दादू का, चल के दादू चल के बता ना, सुन देख ऐसे कैसी बुआ जी। खेल आ जाते हैं अगर ऐसे कहीं लुक निकल गई है तो लुक निकल गई। शिवा ऐसे करते हैं, दादू ऐसे चलते हैं, क्यों नहीं देख करती है कभी कभी मेरी एक्टिंग ऐसे करके घूमती, कभी आगे नहीं देखे ना ये पतंगे तो बोला। मक्के के बगीचे मुड़ गई, देख देख तो गर्दन कैसे करती है। ये चाबी लगाओगे तब लाइट चलेगी। काम कर रहे हो जाओ। चलो जी अब ये कमरा ले लिया। ऋषि कैसे? अरे अरे ये तो फिर ले लिया जैसे इसका वेट आ रहा है इसके चार्ज का। अच्छा माधव ने हमारे आइसक्रीम खा लिए, तो हम लोग अभी गुरुद्वारे में आ चुके हैं और अभी हम गए थे बाहर लंगर खाने। लंगर में था खीर, चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी और मिक्स वेज सब्जी थी। तो सबका पेट भर चुका है और अभी सारे रूम में आ चुके हैं, अभी सब बस सोने की तैयारी कर रहे हैं सब। ठीक है फिर हम आप सभी को सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। तो अभी के लिए सबको गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम।
को बुला के पल थोड़े से